जो क्लासेस कैसे हो आप लोग। मैं प्रीतम आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। मुझे पता है भाई लोगों का एक ही कमेंट आएगा भाई इतना इनएक्टिव क्यों हो। तो भाई सच बताऊँ तो मेरा यहाँ पे सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा है जो कि दिसंबर 10 तारीख को जाके खत्म होगा। एंड तो भाई पढ़ाई वढ़ाई को लेकर थोड़ा इनएक्टिव हूँ, लेकिन हाँ टूर्नामेंट वगैरह तो बैकग्राउंड में चल रहा है। लेकिन हाँ भाई थोड़ा सा इनएक्टिव हूँ एंड ट्राई कर रहा कुछ नए नए कंटेंट्स अप्लाई करने का जब जब टाइम मिल जाता है मुझे, जब मैं फ्री बैठता हूँ। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से ये वाला वीडियो भी बना रहा हूँ और देखते हैं, बहुत जल्द मैं ट्राई करता हूँ कि जल्द से जल्द और वीडियोज़ बना के उसे शेड्यूल मार दूँ ताकि मुझे एग्जाम्स का टाइम कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। आज का जो ये वीडियो होने वाला है ये हमारा सेकंड वीडियो होने वाला है इस टॉपिक पे, जो कि हमारा क्लास न्यूज़ करके, मतलब क्लास और क्लाइंट्स के वर्ल्ड में जितने सारे न्यूज़ वगैरह हमको मिल रहे हैं, लाइक लीजेंड लीग वगैरह हो गया, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप, कोई टूर्नामेंट वगैरह, या फिर एनीथिंग रिलेटेड टू क्लास ऑफ क्लांस पर हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये उसका सेकंड वीडियो है। ठीक है, सेकंड पार्ट है। होप करता हूँ आप लोगों को पहला पार्ट अच्छा लगा होगा एंड उसमें रिस्पॉन्स भी तो अच्छा आया था। एंड होप करता हूँ ये वाला सेकंड वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लास ऑफ क्लांस के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चले गए तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो चैनल पर जरूर उसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, उसके साथ आज के हमारे वीडियो को भी लाइक कर देना एंड जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लेजेंड लीग के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम लोग आकर टॉप प्लेयर्स में चेक करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा जोजो 23 जो कि यहाँ पर रिटायरमेंट ले चुके हैं एंड फिलहाल वो टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं खेल रहे हैं जितना अभी तक मुझे सुनने को मिला है। रिटायर लिए हैं आई थिंक जितना सुनने को मिला था बीच में। लेजेंड लीग खत्म होने में यहाँ पर 6 दिन 14 घंटे बचे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपलोड करते टाइम पता नहीं कितना टाइम बचा होगा, बट जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 6 दिन 14 घंटा बचा है और तब तक यहाँ पर जो 23 वाई का 6905 ट्रॉफीज बना चुके हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली 7 के ही पकड़ लो। ठीक है, बाकी सबका यहाँ पे 6.6 के आसपास है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे 6.6 के, 6.5 के पर एक, 6.4 के, 6.3 के, ऐसे करके दो तीन करके बंदे हैं। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जो 23 भाई के यहाँ पर नंबर 1 पर एक आईडी है और नंबर 5 पर एक आईडी है, बाकी और आईडी है क्या, नहीं और तो नहीं दिख रहा। हाँ भाई 17 नंबर पर और एक आईडी है, बाकी यहाँ पे ग्लोबल पे जितने भी आप लोग बंदे देख रहे हो सब एक ही क्लाइंट में जाके पूसिंग कर रहे हैं, जो कि है लॉस्ट ने और एक होगा लॉस्ट XITP ऐसे करके टीम होगा ITP वाला। हाँ ये मिल गया, ये देख सकते हो इस पर सिर्फ क्वीन वगर्स के जितने सारे बंदे हैं, मैक्सिमम उन्हीं का आईडी है, बाकी लॉस्ट एक्स ने जो है वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टीम्स के बंदे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो DP वगैरह, टाउन DP, चीफ, लालो 23, मास्क, ये सब वगैरह हैं सब यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे हाईएस्ट पर चल रहे हैं जो 23 भाई एंड बहुत ही पुशिंग हार्ड कर रहे हैं यहाँ पे। एंड इनका स्ट्रैटेजी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पे ऊपर बोलो रेडी टू टाइटन स्मैश जो होता है वो अटैक यहाँ पर जो 23 भाई यूज़ कर रहे हैं। मैं आप लोगों को अगर यहाँ पर जाके दिखाऊँ उनके बेस पे विजिट करके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो उनका आर्मी कैंप पे जाकर, अगर मैं यहाँ पे इन्फो में क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पर उनका आर्मी कम्बिनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 सुपर बॉलर वगैरह लिए हैं, आइस गोलेम वगैरह लिए हैं, बाकी वॉल ब्रेकर्स और इलेक्ट्रो टाइटन, बाकी 5 हिलर्स ऐसे करके उन्होंने ले रखे हैं। बाकी इनका स्पेल कम्बिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल 4 रेस स्पेल, 2 फ्री स्पेल एंड एक स्केल्टन स्पेल का यूज़ करते हुए यहाँ पे 6.9 के टच कर चुका है यहाँ पे जो 23 भाई। तो ह्यूज कंग्रेचुलेशन टू जो 23 एंड मुझे जितना लग रहा है कि इस सीजन का जो टॉप 1 प्लेयर होगा लेजेंड लीग में वो जो 23 भाई होंगे। पता नहीं प्रेडिक्शन में भी चेंज भी हो सकते हैं एट लास्ट, बट अभी तक तो मुझे जितना लग रहा है जो 23 ही होने वाले हैं। तो ये क्या कहे जो हमारा पहला टॉपिक, अभी हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, रश जीजी का जो टाउन 11 का टूर्नामेंट चल रहा था, इतना मतलब हार्ड कोर टूर्नामेंट चल रहा था उसमें ना, मतलब क्वीन वॉकर्स वगैरह सब एकदम खेल रहे थे ओके डोके नाम करके। एंड भाई एट लास्ट 2 एग्जोरसिस्ट जो कि एक इंडियन टीम है एंड हमारा वहाँ पे खास पहचान वगैरह भी है, रॉय भाई का क्लान है, तो बहुत ही मस्त खेलते हुए यहाँ पे उन्होंने अपना अचीवमेंट्स, एक और अचीवमेंट्स बोल सकते हो उन्होंने यहाँ पे हासिल कर चुके हैं। $1500 यहाँ पे विनर को मिलने वाला है। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो टॉप 4 विनर्स रहे वो कौन कौन रहे। सबसे पहले यहाँ पर 2 एग्जोरसिस्ट टीम ने जीता है तो उन्हें मिलने वाला है यहाँ पे $1500। बाकी सेकेंड टीम यहाँ पर है हेलोविन, ठीक है, हेलोविन करके एक टीम है, तो उन्होंने यहाँ पर जीते हैं $700।
बाकी क्वीन वॉकर्स करके एक टीम है वो जीता है यहाँ पे 150 $150। बाकी पता नहीं ये रियल क्वीन वॉकर्स हैं या क्वीन वॉकर्स का नाम लेके कोई और खेल रहे थे, मैंने उनका रोस्टर चेक नहीं किया था, लेकिन हाँ ओके डोके टीम करके जो टीम था वो यहाँ पे क्वीन वॉकर्स के बंदे ही खेल रहे थे, स्टार्स जैको वगैरह। बाकी यहाँ पे टीम जैको करके एक टीम है, उन्होंने यहाँ पे $150 जीते हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। बाकी दो एग्जोसिस्ट एकदम बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, जैसे मैंने स्ट्रीम देखा था फाइनल में एंड सेमीफाइनल्स में, मतलब बहुत ही मस्त लगा था उनका हिट रेट वगैरह एंड सब कुछ, मुझे काफ़ी हद तक बहुत ही बेटर लगा था उनका परफॉर्मेंस। तो चलिए बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सुमी 007 के बारे में। तो रिसेंटली एक न्यूज़ देखने को मिला है, सुमी भाई के नाम पर एक बंदा कुछ काम वाम किया है, वो रियल सुमी 007 एक्चुअली नहीं है। मैं आप लोगों को मतलब डिटेल में बताता हूँ, एक्चुअली एक बंदा है जिसका ट्विटर पर नाम है विपिन बोरो करके, ठीक है, इनका रियल नाम क्या है मुझे वो पता नहीं, लेकिन इनको यहाँ पे टेलीग्राम पे आई थिंक जितना मुझे स्क्रीनशॉट पे दिख रहा है आई थिंक ये टेलीग्राम ही है, तो टेलीग्राम पे यहाँ पे सुमी 007 करके एक बंदा ने उन्हें मैसेज किया था। मुझे नहीं लगता ये एक ही बंदे का काम होगा, क्योंकि उनका एक टीम होगा अगर वो लोग हैक करते हैं तो, क्योंकि अकेला कोई बंदे का मतलब इतना जोश कभी नहीं दिखाएगा कि किसी को इतने रुपए का हैक करे, ठीक है। तो पहले उन्होंने क्या किया, एक आईफोन का मतलब 3-4 फोटो वगैरह भेजे एंड उन्होंने बोला सिलेक्ट योर फेवरेट कलर, तो यहाँ पर जो विपिन बोरा भाई थे उन्होंने यहाँ पर व्हाइट कलर चूज कर लिया, फिर उन्होंने बोला कि थैंक यू देन कॉन्टैक्ट यू डिलीवरी एजेंट फॉर प्राइस क्लेमिंग। यहाँ पर आप लोग मतलब स्क्रीनशॉट पर देख सकते हो उन्होंने क्या क्या बात किए हैं एंड एट लास्ट उनका यहाँ पर पैसा गायब हो गया। तो इनका कहना यह है कि ये सुमी 007 भाई ने किए हैं, लेकिन ये बात है तो आप लोगों को पता होगी कि जो भी बड़ा यूट्यूबर मतलब बात करते हैं आपसे उसके अकाउंट पे एक ब्लू टिक हो या वाइट टिक कुछ भी बोल सकते हो, वो वाला वेरीफाइड टिक उसके अकाउंट पे लगा हुआ रहता है, ठीक है। अगर आप लोग सुमित भाई के ट्विटर हैंडल इंस्टाग्राम हैंडल ये सब वगैरह देखोगे उसमें ब्लू टिक वगैरह लगा रहता है, तो उससे आप लोगों को पता चल सकता है कि भाई ये रियल सुमित है या फेक सुमित है। ऊपर से आप लोग एक चीज़ बताओ, यहाँ पर तो सुमित भाई ने कोई भी गिफ्ट वगैरह नहीं किए हैं, तो वो खुद से डायरेक्टली किसी को क्यों ही डीएम करे। एंड यहाँ पर इस ट्वीट को देखने के बाद सुमित भाई ने खुद ने भी यहाँ पर रिप्लाई किया था, मैं आप लोगों को उसका स्क्रीनशॉट वगैरह दिखा देता हूँ। उन्होंने यहाँ पर डायरेक्टली बोला है, ब्रो दीज आर स्कैमर्स, द थिंग इज हैपनिंग विथ टू मेनी पीपल, आई नेवर आस्क एनी ऑफ सब्सक्राइबर्स टू कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सअप और टेलीग्राम और एनी मैसेजिंग ऐप। एंड उसके बाद उन्होंने जो टेक वर्नर भाई हैं उनका एक वीडियो दिखाया कि कैसे यहाँ पर लोग जो है स्कैम कर रहे हैं दूसरों को बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेके एंड उनका लोगो यूज़ करके एंड थोड़ा बहुत ऐसे प्रूफ दिखा देते हैं कि हमें रियल वही यूट्यूबर मतलब मैं रियल सुनी हूँ ऐसे दिखा के इजीली स्कैम कर लेते हैं। तो भाई वो यूट्यूबर होता है उसका यहाँ पर नाम खराब होता है सभी के सामने कि ये बंदा स्कैम कर दिया। और इतना मुझे लग रहा है कि विपिन भाई का पता नहीं कितने रुपये का मतलब स्कैम हुए हैं वो, लेकिन इनको मैंने उनका एज पूछा था तो उन्होंने बोला कि मेरा एज 18 है। ये हो गया गाइस एक बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली बात है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरह, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं बिल्डर बेस के बारे में। तो यहाँ पर बिल्डर बेस 2.0 निकलने वाला है, आप लोग अगर जाके क्लास ऑफ क्लास के न्यूज सेक्शन चेक करोगे तो उसमें यहाँ पर बिल्डर बेस 2.0 के बारे में बहुत सारे पैसेज नोट्स वगैरह यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। तो होप करता हूँ आप लोग उसे पढ़े भी होंगे, मैंने अभी तक अपडेट रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं आप लोगों को रीजन बता चुका हूँ कि मैं इनएक्टिव हूँ अभी फिलहाल, और देखते हैं भाई जल्द से एग्जाम खत्म हो जाए तो दिसंबर 10 के बाद से एकदम से मतलब एक्टिव ही हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद 2.5-3 महीने तक का छुट्टी रहेगा, तो मज़े ही मज़े होंगे और स्ट्रीम भी करते रहेंगे, ठीक है। और पॉसिबल होगा बीच में तो कभी गोल्ड पास वगैरह सीमेंट वगैरह कुछ चीज़ें कर देंगे। बाकी एक और मतलब बड़ा न्यूज़ आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ क्वीन वॉकर्स को लेकर। तो यहाँ पर क्वीन वॉकर्स का लीडर जो थे यूटा 14 आप लोगों ने जानते होंगे, तो उन्होंने यहाँ पर क्वीन वॉकर्स छोड़ चुके हैं, ठीक है। मतलब फाइनली उन्होंने रिटायर ले लिया है, ऐसा नहीं कि क्वीन वॉकर्स छोड़ दिए, उन्होंने रिटायर ले लिए हैं एंड शायद अभी वो COC खेलते हैं आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, ठीक है वो खेलते हैं कि नहीं खेलते, लेकिन हाँ इतना मुझे जरूर पता है कि उन्होंने यहाँ पे क्वीन वॉकर्स छोड़ चुके हैं एंड अभी वो एकदम मतलब रिटायरमेंट ले चुके हैं, ठीक है। एंड आप लोगों को पता है यूटा 14 के जगह अभी कौन खेलने वाले हैं क्वीन वॉकर्स पे, ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में जरूर आया होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ 2019 के जो वर्ल्ड चैंपियंस टीम थी नोवा स्पोर्ट्स, वहाँ पे LP नाम का एक प्लेयर थे, शायद से आप लोगों को मतलब नहीं जानते होंगे क्योंकि 2019 के बाद ही नोवा स्पोर्ट्स ने एकदम से क्वाइट कर दिया था COC को, ठीक है। एंड जो उनके प्लेयर्स थे वो भी शायद क्वाइट ही कर दिए थे, अभी पता नहीं वापस आ गए हैं मे बी, बट फिलहाल तो वो प्लेयर्स वगैरह जो हैं वो खेल रहे हैं, नोवा स्पोर्ट्स वाले ना खेल रहे हो लेकिन उनके जो प्लेयर्स थे वो लोग खेल रहे हैं। तो वहाँ से क्वीन वॉकर्स के टीम में ज्वाइन किए हैं LP करके एक बंदे हैं जो कि नोवा स्पोर्ट्स में बहुत ही बढ़िया खेलते थे,
तो अभी वो आ चुके हैं कोई नगर्स में। पता नहीं इस बार का वर्ल्ड चैंपियनशिप अभी कौन लेने वाला है। मुझे तो इतना लग रहा है भाई कोई नगर्स इस बार भी ले लेगा, क्योंकि इनका रोस्टर जो है बहुत तगड़ा हो गया है। बाकी TS15 भी बहुत तगड़ा हो चुका है। लेट्स सी अभी क्या होता है वर्ल्ड चैंपियनशिप, कौन जीतता है। एंड भाई यूटा 14 चलेगा तो बहुत मतलब बुरा लगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया अटैक्स उनके तरफ से देखने को मिल रहा था। एंड एक अच्छी लीडरशिप जो बोलते हैं ना, वो क्वीन वॉकर्स के जो लीडर थे यूटा 14, वो यहाँ पर खुद को मेंटेन करते रहते थे एंड एक अच्छी लीडरशिप निभा रहे थे अपने टीम में। बट एट लास्ट उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा एंड वो रिटायर्ड हो चुके हैं। अभी LP आ चुके हैं टीम में। बाकी फिलहाल क्वीन वॉकर्स को लीड कौन कर रहे हैं वो तो मुझे अभी तक पता नहीं चला है। अगर मैं पता चलता है तो मैं आप लोगों को इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊंगा। तब तक आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। होप करता हूँ आज का ये जो न्यूज़ वगैरह आप लोगों को मैं प्रोवाइड किया हूँ वो थोड़ा नॉलेजेबल होगा एंड आप लोग हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोग इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।